तो कियाले मित्रों, मैं हूँ न्यूज वाला बॉय और आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ सोशल मीडिया से ढेर सारी न्यूज। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन दबा के अपने दो चार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही सोशल मीडिया से इंटरेस्टिंग न्यूज लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फैजू07 और फैज बलोच के बारे में। तो गाइस, उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज पोस्ट की हैं जिसमें आप देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड कोरोना वायरस के केसेस, जिसमें हमारे इंडिया ने ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया है जो कि वर्ल्ड वाइड सेकेंड नंबर पर है। तो गाइस, इसी पर रिएक्ट करते हुए फैजू और फैज बलोच ये स्टोरी अपलोड किए, इंडिया ने कोरोना के मामले में ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया है और अब इंडिया सेकेंड नंबर पर है। मैं सिर्फ आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं जिनको लगता है अब कोरोना नहीं रहा। अब गाइस, अगली न्यूज निकल के आ रही है जोकर की तरफ से। तो गाइस, जोकर काफी टाइम से अपने किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और गाइस, जहां तक लगता है उनका ये प्रोजेक्ट जल्द ही आने वाला है, क्योंकि वो अपने इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी पोस्ट किए, आर यू एक्साइटिंग फॉर समथिंग बूम। तो गाइस, अगली न्यूज निकल के आती है ब्यूटी खान की तरफ से। गाइस, ब्यूटी खान का एक नया सॉन्ग आने वाला है जिसका शूटिंग शुरू हो चुका है, क्योंकि ब्यूटी खान ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में कहा कि गेटिंग रेडी फॉर नेक्स्ट एल्बम। तो गाइस, अगली न्यूज निकल के आती है एंग्री प्राश की तरफ से। तो गाइस, आपको पता होगा कि काफी टाइम से एंग्री प्राश वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो गाइस, उसी को लेकर वे अपनी कम्युनिटी टैब में ये पोस्ट किए कि हेलो एंग्री आर्मी, पिछले दो वीक से मैं राइटर्स ब्लॉक से जा रहा हूं, मैं टाइम पर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं, इस चीज का बहुत बुरा लग रहा है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं वापस लिखने की, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, थोड़ा और इंतजार करो, एक नया क्रेजी वीडियो और Q&A लेके आऊंगा मैं, मुझे पता है मेरी एंग्री आर्मी हमेशा मेरे साथ है और मैं अपनी अगली वीडियो में आपको निराश नहीं करना चाहता, आई लव यू गाइस, सी यू सून, आपका अपना प्राश। तो गाइस, अगली न्यूज निकल के आती है स्ले पॉइंट की तरफ से। तो गाइस, अभी अभी जल्द ही में दिलजीत सर का एक सॉन्ग आया है जिसके लास्ट में टी शर्ट पर विनोद लिखा है। तो गाइस, आपको तो पता ही है विनोद कितना फेमस हो चुका है, तो इसी चीज पर रिएक्ट करते हुए स्ले पॉइंट ये कहे, दिलजीत सर का नया गाना सुन रहा था और उसमें एंड में विनोद, यहाँ भी इन्होंने अपना ही मर्च बना लिया, ये क्या क्या बोल रहे हो कि दिलजीत सर का विनोद के साथ कोलैब हो गया और हमारा नहीं हुआ? नहीं है वो कोलैब यार, कोलैब नहीं है वो। और गाइस, दिलजीत सर अपने इंस्टाग्राम पर खुद विनोद लिखते हुए एक पोस्ट डाले, उसी पर स्ले पॉइंट रिएक्ट करते हुए कहे कि ओ भाई, अपने हाथों से प्यार से विनोद लिख रहे हैं। तो गाइस, अगली न्यूज निकल के आ रही है फैजू की तरफ से। तो गाइस, आप लोगों को पता ही होगा कि लॉयर अली कासिफ खान ने मिस्टर फैजू के ऊपर केस कर दिया था। तो वही गाइस, लॉयर अली कासिफ खान से इंस्टाग्राम पर किसी ने पूछा कि फैजू केस का क्या हुआ, तो इसी का रिप्लाई करते हुए लॉयर अली कासिफ खान लिखे कि इसी मंथ ऑर्डर पास करने के लिए रखा गया है। तो गाइस, अगली न्यूज निकल के आती है ध्रुव राठी की तरफ से। तो गाइस, ध्रुव राठी अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किए, GDP क्रेश एंड PUBG बैंड। तो इसमें ध्रुव राठी इंडियन गवर्नमेंट और मीडिया को पोक करते हुए कुछ कहे, जिसमें से थोड़ा सा वीडियो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आइए बात करते हैं आज के वीडियो में हमारे देश की इकोनॉमिक हालत के बारे में, कैसे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं और हमारा GDP डबल डिजिट्स में पहुंच गया है, -20 आपने सुना रिया चक्रवर्ती के साथ क्या चल रहा है? एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है वहां पे, जरूर देखना उसे, देखना जरूर। वीडियो बना रहा हूं ना मैं इस पे इस इशू पर फोकस करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है। हाँ, कहां था मैं दोस्तों? तो हमारे देश का GDP -20 की बात थी, कितने जरूरी है खिलौनों से हमें जरूर खेलना चाहिए, खिलौने इतने अच्छा इन्वेंशन है। मजा आ गया, मैं कह रहा था हमारे देश का GDP -23.9। पबजी बैन हो गया भाई, तुझे पता है पबजी बैन हो गया, पबजी पर बैन लग गया दोस्तों, क्या करूं मैं, बैन हो गया तो पबजी। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं एक अचीवमेंट के बारे में। गाइस, द रोनी गेम्स ने पूरे कर लिए हैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर, तो मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयां उनके लिए। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दो चार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।